इस वीडियो में हम व्यूपोर्ट यूनिट सेटिंग्स, व्यूपोर्ट व्यूज और व्यूपोर्ट बैकग्राउंड सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगी हमारी यूनिट सेटिंग्स की और साथ ही साथ व्यूपोर्ट और व्यूपोर्ट व्यूज का भी आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में हम और थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्योंकि ये भी जानकारी थोड़ी सी आपको रहनी चाहिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यूपोर्ट। व्यूपोर्ट बेसिकली डिफॉल्ट में चार व्यूपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, व्यूपोर्ट का लेआउट आप आसानी से कभी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको व्यूपोर्ट का लेआउट्स व्यूपोर्ट के यहाँ पर आपको मिलेंगे। डिफरेंट लेआउट्स रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं 4 लेआउट्स पर यूज कर रहा हूँ जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है व्यूपोर्ट। ओके, इसी तरह से मुझे स्मॉल व्यूपोर्ट चाहिए और एक मैक्सिमम व्यूपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह मुझे 2 व्यूपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट व्यूपोर्ट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। जो रिसेंटली एंड प्रीवियसली व्यूपोर्ट जो हम सेट किए थे वो यहाँ पर आपको आसानी से मिलेंगे। अगर आपके 3ds Max में ये व्यूपोर्ट लेआउट ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ मैं इसको, इसको आप हटा सकते हो। व्यूपोर्ट लेआउट को अनेबल करने के लिए आप यहाँ पर टूल बार पे आए और खाली जगह पर यहाँ पर कहीं राइट क्लिक कर दें तो आपको इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर सर्च करेंगे हम व्यूपोर्ट लेआउट को। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा व्यूपोर्ट लेआउट। ओके, सिंपली यहाँ पर हम इसको लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और इसी तरह से हम इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। ओके, सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए और ये यहाँ पर साइड में फिट हो जाएगा। तो अभी हम इसी तरह से देखेंगे व्यूपोर्ट व्यूज के बारे में। ओके, तो मैं इसको डिफॉल्ट पे ही सेट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से व्यू हमारा आ गया। ओके, यहाँ पर व्यूज देखेंगे हम, डिफरेंट व्यूज आपको यहाँ, मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम कर दूंगा, मैक्सिमाइज कर दूंगा इस व्यूपोर्ट को। Alt W प्रेस करके यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट व्यूज है। ओके, ये जो हम हाई क्वालिटी पर भी रख सकते हो। ओके, अगर आप टेक्सचर वगैरह लगाए हो और हाई क्वालिटी में आपको ये इमेज देखना है तो यहाँ पर सिंपली हाई क्वालिटी पर सेट करें। इसी तरह से हमें मिलता है स्टैंडर्ड जो वर्किंग के लिए इजी एंड स्मूथ होता है। इसी तरह से यहाँ पर मिलेगा परफॉर्मेंस के लिए, यहाँ पर जो कलर एंड टेक्सचर हैं सभी गायब हो जाएंगे और सिंपली ग्रे स्केल में आपको यहाँ पर ये कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह से यहाँ पर मिलता है DX मोड और ये मोड एक तरह का शाइनिंग मोड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको स्टैंडर्ड मोड की तरफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये शाइन हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं DX मोड पर है, शाइन कर रहा है, इसको स्टैंडर्ड मोड पर वापस कर देता हूँ तो ये क्या कर देगा, सम ऑफ द शाइनिंग यहाँ पर पार्ट्स चला जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो। इसी तरह से उसी के साइड में हमें मिलता है डिफ्यूल्ड शेडिंग के बारे में। ओके, यहाँ पर डिफ्यूल्ड शेडिंग पर ही हमारा सेट है। तो अगर मैं यहाँ पर फेसेट्स पर क्लिक कर दूँ तो इस तरह से ये फेसेस जो हैं ये विदाउट स्मूथ आपको दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ये टी पोर्ट को देखिए, कैप्सूल को देखिए, इसी तरह से फेसेट्स में ये दिखाई देंगे। अगर मैं बाउंडिंग बॉक्स कर दूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मैं टॉप व्यू में आपको दिखा देता हूं। ओके, और यहाँ पर टिक प्रेस कर देता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट मैं बाउंडिंग बॉक्स पर वापस क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओके यहाँ पर सेट है और इसके अराउंड में बॉक्स टाइप के लाइंस यहाँ पर क्रिएट हो गए कि हमारा ये ऑब्जेक्ट कितने एरिया, कितने बॉक्स एरिया में यहाँ पर फिट होगा। ये इस तरह से यहाँ की बाउंड्री हमें निकाल कर देगा इस व्यू में। तो इसी तरह से और हमें डिफरेंट व्यूज यहाँ पर मिलेंगे। ओके, फ्लैट कलर। ओके, इस तरह से करने से क्या होगा, सिंपली ये बाउंड्रीज वगैरह नहीं आएगी, सिंपली कलर मास्क लगेगा, ऑब्जेक्ट्स कलर में है कुछ वगैरह लगेगा, एग्जैक्ट व्यू हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर मिलेगा हिडन लाइंस, अगर इस पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा,
ये हिडन लाइंस में आएगा। ओके, जो बैक साइड की लाइन से, हिडन लाइन कहते हैं हम इसको, क्योंकि बैक साइड की लाइन से ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ जो फ्रंट का है वही यहाँ पर हमें दिखाई देगा लाइंस में। इसी तरह से क्ले ऑफ मॉडलिंग है, यहाँ पर जो हमारा क्ले मटेरियल वगैरह सब कैसे रहता है, उसी तरह से यहाँ पर हमें व्यू देगा और ये सबको यूनिफॉर्म कलर में लाएगा। ओके, यूनिफॉर्म कलर व्यू। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा है, उस पर हम व्यू लाइटिंग का इफेक्ट सब वगैरह दे रहे हैं, तो इस पे क्या करेंगे हम, लाइटनिंग वगैरह का वर्क सब करने के लिए हम यहाँ पर क्ले मोड पर रखेंगे, क्योंकि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है विदाउट टेक्सचर यहाँ पर दिखाई देगा, तो हमारा 3ds Max सॉफ्टवेयर है वो इजी रन होगा और लाइटनिंग इफेक्ट भी हमें आसानी से मालूम पड़ेगी इसमें। इसी तरह से हमें मिलता है यहाँ पर मॉडल असिस्ट। ओके, इस तरह से करने से ये नॉर्मल व्यू में यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं है इसमें मॉडल असिस्ट असिस्ट में। ओके, देख सकते हो डिफ्यूज शेडिंग और मॉडल मॉडल असिस्ट, उतना मेजर डिफरेंस नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर स्टाइलाइज्ड मिलेगा, इसमें मिलेगा ग्राफाइट। ओके, अगर यहाँ पर क्लिक कर दूं तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा। इसी तरह से डिफरेंट व्यूज यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप यहाँ पर इजीली ट्राई कर सकते हो। ओके, मैं अभी इसको डिफॉल्ट पर ही रख देता हूँ वापस से, और हमें यहाँ पर साथ ही साथ इसके वायर फ्रेम ओवरराइड भी मिलेगा। अगर मैं इसको वायर फ्रेम में कर दूँ तो ये वायर फ्रेम में हो जाएगा, और बैक साइड के जो लाइंस वगैरह सब है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी, हिडन लाइंस। पर हमने पहले देखा था जो हिडन लाइंस जो फ्रंट की लाइंस दिखाई दे रही थी, वायर फ्रेम में क्या होगा, ये वायर टाइप ऑफ मेश क्रिएट करेगा। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्ट के फेसेस हैं वो निकल जाएंगे और सिंपली एक वायर मेश सा क्रिएट करके देगा। ओके, आप इसको स्केलेटन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ओके, इसी तरह से हमें डिफरेंट व्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पर इसको कवर कर दिया व्यूज को, स्टैंडर्ड पे हमने यहाँ पर सेट किया है इसको, और यहाँ पर वायर फ्रेम पर सेट कर दिया है। और ये व्यूज जो है हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था, जो पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, टॉप व्यू, बॉटम व्यू वगैरह के लिए। और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी देखा था कि व्यू क्यूब और स्टेयरिंग व्हील्स को एनेबल और डिसेबल वगैरह सब ऑप्शन यहाँ पर जो अवेलेबल है। ओके, तो हमने इसको वापस से जो डिफॉल्ट सेटिंग थी उसको ही सेट कर दिया। ओके, और यहाँ पर जो हमारा व्यू है ऑर्थोग्राफिक है, मैं पर्सपेक्टिव में इसको सेट कर देता हूँ, चाहे तो आप पीबी यूज कर सकते हो। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से हट गया है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जेड प्रेस कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट व्यू यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें जो है फंक्शन कीज मिलते हैं। अगर मैं F3 प्रेस कर दूँ, ओके, F3 प्रेस कर दूं तो ये वायर फ्रेम में आ जाएगा। ओके, उसी के साथ F3 और प्रेस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसी के साथ में विथ एज फेसेस में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और एज फेसेस में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं F4 सेट कर दूं तो ये डिफ्यूज शेडिंग में आएगा और ये वायर मेश जो एंड जो एज वगैरह है सभी हट जाएगी। ओके, F3 और F3 डबल बार क्लिक करें, एक बार F3 क्लिक करने से वायर मेश आएगा और एक बार F3 क्लिक करने से जो हमारा ऑब्जेक्ट शेडेड है उसी पर एज फेसेस दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर मैं F4 क्लिक कर दूं तो ये सिंपल डिफॉल्ट शेडिंग में आएगा। ओके, ये थी व्यूपोर्ट की सेटिंग्स वगैरह। ओके, अगर व्यूपोर्ट की बैकग्राउंड सेटिंग्स को आपको चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, इसका बैकग्राउंड का कलर भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अभी ये हमारा व्यूपोर्ट सॉलिड कलर पर सेट है, यहाँ पर देख सकते हो सॉलिड कलर पर सेट है। इसकी सेटिंग्स चेंज करने के लिए कॉन्फ़िगर व्यूपोर्ट बैकग्राउंड पर जाना होगा, इसका शॉर्टकट रहेगा Alt-B। तो यहाँ पर जाते ही हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, पॉप अप करके यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यूज कस्टम, तो हम सेलेक्ट करेंगे यूज कस्टमाइज यूजर इंटरफेस ग्रेडियंट कलर पर और यहाँ पर कर देंगे अप्लाई, तो ये ग्रेडियंट वाला आ जाएगा। और यहाँ पर करते ही सॉलिड बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम एनवायरमेंट
सेटिंग्स जो है यहाँ पर हमें रेंडरिंग ऑप्शन में वगैरह मिलती है, अगर वहाँ पर सेट कर देंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको नेक्स्ट अगले लेवल पर देखेंगे, फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पर नॉर्मल जो डिफॉल्ट है उसी पर वर्क करने वाले हैं। तो ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं यूज फाइल पर सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे। ओके, फाइल्स पर सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इमेज फाइल कोई कौन सा भी एक फाइल ओपन कर देता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर मैं कौन सा तो एक मेरा फाइल जो है यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसको इस तरह से ओपन करके अप्लाई कर देता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, अगर आपकी कंपनी का लोगो देना है, वाटरमार्क देना है, ओके, तो आप वो डालकर यहाँ पर काम कर सकते हो। बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें कभी नहीं आएगी, हम ज़्यादा करके ग्रेडियंट पे या सॉलिड कलर पे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस से डिफॉल्ट पर ही रख देता हूँ, यूज़ कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस पे, ताकि हमें वर्क करने में आसानी हो। तो इसको अप्लाई करके सिंपली एक्टिव कर दें। साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लेआउट के बारे में देखा था। ओके, लेआउट का सेटिंग्स आप यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसी तरह से हम देख सकते हो बहुत सारे लेआउट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको सेकेंड वाले पर सेट करके यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये सेटिंग्स जो है हमारे इंटरफेस की कुछ इस तरह से हो जाएगी, व्यू पोर्ट की। ओके, तो इसको मैं वापस से डिफॉल्ट पर ही सेट कर देता हूँ। ओके, डिफॉल्ट पर सेट करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर कॉर्नर पर। ओके, अप्लाई एंड देन ओके, तो इस तरह से ये हमारा सेट हो जाएगा। और ये जो व्यू पोर्ट है इसको टॉप व्यू सेट करने के लिए हम सिंपली प्रेस करेंगे टी। अब हम देखेंगे कि यूनिट सेटिंग्स। ओके, यूनिट सेटिंग्स जो है बेसिकली ये बहुत ही मायने देती है आपके ड्राइंग में। ओके, जब भी आप 3ds Max पे वर्क करते हो तो यूनिट सेटिंग्स रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा कस्टमाइज पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट सेटअप पर। ओके, यूनिट सेटअप पर जाते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा डिफॉल्ट पे है US स्टैंडर्ड फीट एंड डेसिमल इंचेस पे है। अगर आप ड्राइंग को मेट्रिक में या मीटर्स मिलीमीटर सेंटीमीटर्स पे सेट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर सेट करें, और यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मिलीमीटर है हमारे पास, सेंटीमीटर से हमारे पास, इसी तरह से मीटर्स एंड किलोमीटर्स अवेलेबल है। आपको ड्राइंग्स कौन से यूनिट में ड्रॉ करना है वो सिंपली यहाँ पर सेट करें। सपोज हमें यहाँ पर मीटर्स पे काम करना है तो मीटर्स पे सेलेक्ट करें और ओके कर दें, तो ये जो यूनिट है मीटर में सेट हो जाएगी। सपोज हमें फीट्स पे वर्क करना है तो US स्टैंडर्ड पे सेट करके यहाँ पर डिफरेंट इंचेस, फ्रैक्शनल इंचेस, डेसिमल इंचेस, फ्रैक्शनल फीट, डेसिमल फीट, इसी तरह से फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस, फीट विथ डेसिमल इंचेस अवेलेबल है। मैं इसको ऐसे US स्टैंडर्ड पर रख के डिफॉल्ट पर रख के यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और सेट करने से पहले मैं और ऑप्शन में यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ डिफरेंट यूनिट्स भी हैं। अगर आपको कस्टमाइज आपकी कोई यूनिट्स यहाँ पर सेट करके रखनी है आपके अकॉर्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसी तरह से हमें यहाँ पर टॉप में मिलता है सिस्टम यूनिट सेटअप, यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से ये सेटअप आ जाएगा। ये सेटअप को हम यूज करते हैं बेसिकली, कोई हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, मान लो डिफरेंट इसके इंटीरियर मटेरियल हो गए या लाइटिंग जो डिफरेंट लोगों ने बनाई है या डिफरेंट वेबसाइट से हमने इसको लिया है डाउनलोड करके, तो हम जब इंपोर्ट करेंगे 3ds Max पर तो जो है उसकी स्केल कभी एग्जैक्ट नहीं रहेगी, कभी ये बड़ा आएगा कभी छोटा आएगा। बेसिकली जो हम डिफॉल्ट पे ही वर्क करते हैं तो हर लोग ज़्यादा करके मैक्सिमम लोग डिफॉल्ट पे ही वर्क करते हैं, तो आपकी ये करेक्ट आ जाएगी इंपोर्ट करते हो। अगर आप इसको चेंज करते हो तो ये बेसिकली बड़ा या छोटा आपको इंपोर्ट करके देगा। अगर आप सपोज इंपोर्ट करते वक्त कोई ऑब्जेक्ट बड़ी या छोटी आ जाए तो आपको इसको एग्जैक्ट स्केल पर रखना है, तो आप सिंपली यहाँ पर अल्टर करके जो आपका मॉडल है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपका जो इंपोर्ट किया हुआ मॉडल जो है एग्जैक्ट यूनिट्स में आ जाएगा। तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही डिफॉल्ट पर रख देते हैं। ओके, और यहाँ पर भी मैंने यूनिट स्टैंडर्ड पर रख दिया और इसको सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया। इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंट व्यू पोर्ट और इसको कैसे सेट किया जाता है, साथ ही साथ व्यू पोर्ट लेआउट को एक्टिव एनेबल कैसे करना है और इसको इस पर कैसे वर्क करना है वो हमने देखा, साथ ही साथ
यूनिट्स को कैसे सेट किया जाता है और व्यूपोर्ट बैकग्राउंड को कैसे सेट किया जाता है। तो हमने इन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और नेक्स्ट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हम कवर करते जाएं। ओके, शुक्रिया।